और बड़ी खबर आपको बता दें, नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया था कि शनिवार 12 बजे तक हर एक एग्जाम सेंटर का नतीजा अलग से जारी किया जाए और इस नतीजे के प्रकाशित होने के बाद कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। गुरुवार को कोर्ट ने एनटीए को निर्देश देते हुए कहा था कि सभी नतीजे प्रकाशित किए जाएं, लेकिन उनमें बच्चों की पहचान उजागर ना हो। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पटना में परीक्षा से पहले पेपर ब्रीच हुआ, इसमें कोई शंका नहीं है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये उन्हीं सेंटर तक था या इससे ज्यादा फैला था। इस कारण नंबरों और नतीजों के पैटर्न को देखने समझने के लिए कोर्ट ने ये निर्देश दिया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, आज दरअसल नीट यूजी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है और शनिवार को एनटीए की तरफ से पूरा रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया था। हर सेंटर के अलग अलग नतीजे जारी किए गए थे। न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी विक्रांत यादव इसी खबर पर जुड़ गए हैं, हम सीधे उनका रुख करते हैं। विक्रांत, आज अहम सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी के मामले को लेकर, और क्या डिटेल्स हैं? देखिए, आज सुनवाई होगी 10:30 बजे चीफ जस्टिस की कोर्ट में, इस मामले की सुनवाई होगी। गुरुवार को जो सुनवाई हुई थी उसमें कोर्ट ने निर्देश दिया था कि तमाम सेंटर्स के हिसाब से नतीजे घोषित किए जाएं ताकि एक ये अंदाजा लग सके कि किस सेंटर से कितने बच्चों के नीट में अच्छे नंबर आए हैं, क्या कोई पैटर्न है उसमें, वो देखना कोर्ट चाहता था। अब चूंकि वो नतीजे प्रकाशित कर दिए गए हैं, शनिवार दोपहर 12 बजे एनटीए ने वो नतीजे प्रकाशित कर दिए थे, उसके बाद से जो नीट के मामले के याचिकाकर्ता हैं वो उसको देखने में जुटे हुए थे, और आज जब कोर्ट खुलेगा तो हो सकता है कई नई जानकारियां वो कोर्ट के सामने रखेंगे और उसके आधार पर कोर्ट इस मामले में आगे का फैसला लेगा। एक और बड़ी बात कि कोर्ट ने इस मामले में पटना पुलिस और ईओडब्ल्यू की जो शुरुआती जांच थी उसकी रिपोर्ट भी तलब की है। ये उसके कोर्ट के उसके केस के पेपर्स कोर्ट में मंगवाए हैं। कोर्ट ये देखना चाहता है कि शुरुआती जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही थी, क्योंकि शुरुआत में पटना पुलिस इसे एक बड़ा लीक बता रही थी, लेकिन बाद में सरकार ने कहा कि ये पटना सेंटर तक ही सीमित है और उससे आगे नहीं बढ़ पाया था। बिल्कुल विक्रांत, यही बात सभी सवाल पूछ रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी पहले ये टिप्पणी की गई थी कि हम यही देखना चाहते हैं, यही जानना चाहते हैं कि ये जो पेपर ब्रीच का जो मामला है वो सिर्फ पटना में हुआ है या देश में अलग अलग जगहों पर फैला है। इस बीच ये जो रिजल्ट जारी किया गया है इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि कई चौंकाने वाली जानकारी इससे जुड़ी सामने आई है, किस तरह की जानकारी है? देखिए, इसमें कई ऐसी जानकारियां हैं, कई सेंटर्स के बारे में जानकारियां हैं। कुछ ऐसे सेंटर हैं जहां पर जो नीट के बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया था उस सेंटर पर खास तरीके के नतीजे का पैटर्न देखने को मिला है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। सबसे बड़ी बात कि कोर्ट ये इस मामले में इसलिए भी सुनवाई कर रहा है क्योंकि कोर्ट ये देखना चाहता है कि ये केवल एक छोटा लीक है जो केवल पटना सेंटर तक सीमित है जैसा सरकार कह रही है, या फिर ये सोशल मीडिया के माध्यम से उसके आगे भी फैला था। क्योंकि कोर्ट के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है कि परीक्षा की पवित्रता वो तो कहीं भंग नहीं हुई, अगर परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है और उसका बड़े पैमाने पर असर हुआ है तभी रीनीट करवाने के बारे में फैसला लिया जा सकता है, ये कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था। लेकिन फिलहाल सरकार और एनटीए दोनों का ही ये कहना है कि इस मामले में केवल पटना सेंटर से लीक था और वो भी मैक्सिमम 150 छात्रों तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं, और इस मामले के जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिन बच्चों के नाम सामने आए थे उनका रिजल्ट रोका जा रहा है, लेकिन पटना सेंटर से आगे ये मामला नहीं बढ़ा, ये एनटीए और सरकार का कहना है। इस लिहाज से आज की सुनवाई बहुत अहम होगी जब कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता रिजल्ट के बाद के तथ्य भी सामने रखेंगे। ठीक है विक्रांत, इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इधर नीट यूजी के हर सेंटर के रिजल्ट जारी होने पर शिक्षा मंत्रालय ने इस पर अपना पक्ष रखा है और कहा कि चुनिंदा सेंटर से ही नहीं बल्कि पूरे देश से छात्रों ने नीट यूजी की परीक्षा पास की है। केंद्र सरकार के मुताबिक इस बार के नतीजे पारंपरिक नतीजों से अलग मिले हैं। नतीजों का विश्लेषण करने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि नीट 2024 में कुल 23.33 लाख छात्र शामिल हुए थे और इनमें से 2321 छात्रों को 700 या उससे ज्यादा अंक मिले थे। ये छात्र पूरे देश और विदेश में 1404 केंद्रों में फैले हुए थे और ये 1404 केंद्र 276 शहरों और 25 राज्यों में बनाए गए थे। केंद्र सरकार ने यह भी माना है कि पहले सीकर, कोटा और कोट्टायम में पारंपरिक ट्यूशन हब से आने वाले कई छात्र 700 या उससे ज्यादा अंक लाने में सक्षम थे, लेकिन अब चूंकि अन्य शहरों से आने वाले कई छात्र भी इस ब्रैकेट में आने में सक्षम हो गए हैं, केंद्र सरकार ने इसका श्रेय जो है वो नीट के पाठ्यक्रम में हुए बदलाव को दिया है।
तो 2024 के नीट यूजी के नतीजों के मुताबिक इस बार 509 शहरों के 4044 सेंटर पर छात्रों को 650 से लेकर 699 के बीच नंबर मिले हैं, जबकि आपको बताएं कि 540 शहरों के 4484 सेंटर पर छात्रों को 600 से लेकर 649 के बीच नंबर मिले हैं। वहीं 568 शहरों के 4563 सेंटर पर 550 से लेकर 599 के बीच नंबर छात्रों को मिले हैं, जबकि नीट यूजी 2023 के नतीजों में 116 शहरों के 310 सेंटर पर 700 से लेकर 720 के बीच नंबर आए थे। वहीं 381 शहरों के 2431 सेंटर पर 650 से लेकर 699 के बीच नंबर आए थे और वहीं 464 शहरों के 3434 सेंटर पर छात्रों को 600 से लेकर 649 अंक मिले थे।